आज की वीडियो में हम उन लड़कियों के लिए लाइक ये ब्लॉग लाए हैं जिनको नेल्स बड़े करना बहुत शौक है। अब इस वीडियो में हम ये नहीं करने वाले बताने वाले हैं कि मतलब नेल्स कैसे बड़े करते हैं। इस पर हम लोग फेक नेल्स लगाएंगे और हम आपको इसका रिव्यू दिखाने जा रहे हैं। आज ही हमारे पास आया है ये, हमने ऑर्डर किया था एंड आज हमने परचेज किया है और आज ही आया है। हमने कहा रिव्यू दे दिया जाए इसका आप लोगों को और हम भी ट्राई कर लेंगे क्योंकि पहले ट्राई किया है मैंने। हाँ, हम टाइम हो गया है, हम दोनों ने ही ट्राई किया है एंड हम ज़्यादातर इन फेक नेल्स लगाते नहीं हैं। हम फेस्टिवल रीजन पे ही या फिर मतलब कोई फंक्शन हुआ तभी हम फेक नेल्स ख़त्म हो गए थे। और हाँ, ये जो हमने फेक नेल्स परचेज किए हैं वो फ्लिपकार्ट से हैं, 134 रुपीज़ के हैं फेक नेल्स। 100 पीस आए हैं इसके, 100 पीस आए हैं एंड एक छोटा सा ब्लू मिला है हमें। एंड आपको अगर इसको परचेज करना है इस नेल्स को तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आपको हम सब पूरा बताएंगे प्रोसेस कि हम कैसे नेल्स लगाएंगे, कैसे उतारते हैं नेल्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो हमने परचेज किया है ना ये कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा है गाइस एंड ये देखो ये हमें 100 मिला है, 100 मिला है, ये 100 है हमारे पूरे एंड थोड़ा सा हमें ना अच्छे से पैकेजिंग नहीं मिली, थोड़ा सा ना मुड़ गया है पर चलो कोई नहीं। एंड इसका जो ब्लू है मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन थी कि ये काफ़ी अच्छा होगा और हाँ ये बहुत अच्छा है। लाइक ये लिक्विड ब्लू मतलब किसी में सूट के हमें मिलते हैं ब्लू, तो ये वैसा नहीं है। एंड ये अब हम खोलेंगे, आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि हमें कैसे लगाना है। तो पहले आपको ना क्या करना, मैं इनको लगा ये मतलब मैं खुद भी लगाऊंगी और मम्मी भी लगाएगी मेरे को। मम्मी अभी नहीं लगाएंगी, हमें 2-3 दिन बाद पार्टी में भी जाना है और दिवाली भी दिवाली भी आ रही है। मैं आपको लगा के दिखा दूंगी अपना तब उस टाइम। दिवाली भी आ रही है गाइस, तो हम फेस्टिवल रीजन के साथ साथ उसके लिए भी हम लगा रहे हैं। हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है 2 दिन बाद, तो इसीलिए मैं हम लगा रहे हैं ये। हम मतलब 1 महीने तक आराम से रहता है नेल्स आपके, अगर निकल जाता है तो फिर वो आपकी गलती है कि आपने अच्छे से नेल्स को नहीं लगाया। तो मैं अच्छे से चूज करूँगी, तो भाई मेरे छोटे छोटे नेल्स हैं एकदम से, तो फिर मैं ना ये वाला ये जो शार्प वाला पार्ट है ना इसको इस यहाँ से हमें कट करना है, क्योंकि ना हमारा ये घसेगा तो फिर हमारा प्रॉब्लम होगी अप्लाई करने में। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ यहाँ से भी सही आ रहा है और हाँ हमारी स्किन पे टच नहीं होना चाहिए। हमारा नेल अगर टच हुआ तो फिर हमारा नेल अच्छे से नहीं बैठता है, तो ये मेरे को अच्छे से आ रहा है बैठ रहा है। तो मैं अब इसको लगाऊंगी पर इस पर मैं कट कर दूंगी, तो नेल हम यहाँ पे कटर से इसे कट कर लेंगे। हमारे ना ज्यादा लेंथ की नहीं निकले, नहीं पता क्यों तो ज्यादा लेंथ की मोबाइल थी। ये देखो गाइस आप ना इसे ना शार्प भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लग रहा है तो भी रिमूवर लेगा
आईज जिसको आपको बहुत ही केयरफुली करना होता है, वरना आपका नेल जो होता है ना वो चिपक सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना कि आप अच्छे से लगाओ अपने नेल में। ठीक, आपको ज्यादा ड्रॉप्स भी नहीं लगाना है, थोड़ा देर लगा लोगे हो जाएगा। एंड ये मम्मा अभी गई है तो देखती है इसको, आपको तो 20 सेकंड मिले थोड़ी देर के लिए ना ऐसे प्रेस करके रखना है जैसे हम लगा लोगे। थोड़ा सा पूरा देखो कितनी इजी चिपक गया है ये। एंड हाँ, इसको आपको निकालना है तो फिर आप ना एक काम कर सकते हो, आप इसको निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो हॉट वाटर का। हॉट वाटर यूज करोगे ना इजली बन जाएगा। एंड यस, तो ये बहुत ही सही है। थोड़ा भारी भारी लगेगा आपके नेल्स में जब आप लगेगा ये। सो गाइस, जब आप ग्लू लगाओ तो फिर आपको ये ध्यान रखना है, मेक श्योर कि आपके मतलब हाथ में ना लगे, स्किन पे ना लगे, वरना बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा एंड फिर छूटने में बहुत टाइम लगेगा ग्लू को। कभी कभार ना जब आप नेल को निकालोगे हॉट वाटर में से, तो फिर ना मतलब हॉट वाटर लेना बाउल में एक, एंड उसमें ऐसे कर लेना धीरे, उसमें पानी डाल लेना, गरम ले लेना पानी, एंड उसमें अपने नेल्स को डाल लेना। थोड़ी देर में ना आपके नेल्स अपने आप निकलने लग जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा हार्डली मत पुश करना निकालने के लिए, वरना ब्लड निकल सकता है या फिर आपका जो रियल नेल है नेचुरल नेल वो भी निकल सकता है। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके सारे अपने नेल्स लगा लिए हैं। एंड यस, मम्मी के हाथ में भी स्किन पे ना चिपक गया था थोड़ा सा ग्लू, तो फिर वो उनको निकालने में बहुत टाइम लगा एंड निकला ही नहीं वो एक दो दिन तक। तो ऐसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, नेल पेंट लगाने वाले हैं, तो अब हम ऐसे ही नेल पेंट लगा देते हैं। एंड यस, मैंने यहाँ पे ना मैरून कलर की डार्क रेड कलर की मैंने नेल पेंट ली है एंड ये बहुत सुंदर थी, और बीच में मैंने सिल्वर वाली ग्लिटर, सिल्वर ग्लिटर लगाई है। फाइनली मांशा ने अपने नेल्स पूरे कर लिए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं नेल्स। मैं दिखाती हूं, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने ना मैं कल ही शॉपिंग करने गई थी और मैंने अपने मैचिंग कुर्ती है ना जो इसने फंक्शन में पहनना है कल, उसकी मैचिंग नेल पेंट लेकर आई थी। और हम लोगों ने, हमको पता था कि ये नेल्स आने वाले हैं और रिव्यू भी देना है, तो मैंने सोचा इसी बहाने लगा भी लेगी। तो अब इन्होंने लगा भी लिया, इनका काम कर लिया और आपको रिव्यू भी मिल गया। और शायद मैं इसे एक महीने तक चलाऊं, अगर ये निकल जाते हैं, पर नेल पॉलिश नहीं निकलने वाली, अगर निकलेंगे तो मैं एक और कोट लगा लूंगी और फिर से इस नेल। और आप लोग भी इसे ट्राई करिए, बहुत अच्छा होता है ये। जो जिन गर्ल्स को बड़े नेल लगाने का शौक है ना, उनके लिए बेस्ट है। और नेचुरल तो इतनी जल्दी नेल्स बड़े होते हैं नहीं, और होते भी हैं तो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जैसे मम्मी के टूटे, जैसे मेरे टूट गए हैं, देखिए इतने बड़े नेल्स थे मेरे, और ये तो अभी बचा है और बाकी सब टूट गए हैं। घर के काम करते करते ना तो क्या होता है कि आपके नेल्स ना टूटने लगते हैं। तो ये तो ऐसा है कि आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल लुक दे रहा है, बहुत अच्छा है ये, आप लोग जरूर करिए। हाँ गाइज, और अगर आपको ये नेल्स परचेज करने हैं तो प्लीज, मैं दो तीन दिन बाद जब हम वीडियो लाएंगे, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली शॉपिंग की अगर हम लाएंगे या नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें मैं दिखाऊंगी मेरे को कैसा लग रहा है नेल्स लगा के। ठीक है गाइज, सो दो तीन दिन रख के देखती हूँ कैसा लगता है, फिर उसके बाद अगर आपको ये नेल्स परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम लोग।
सो जाना डिस्क्रिप्शन में एंड जाके लिंक पे क्लिक करना और जाके परचेज करना। बहुत ही कम प्राइस में हमें मिले हैं नेल्स, 134 काफ़ी वर्थ इट हैं और 100 पीस बहुत ही सही है रेंज में मिल गए। बस मेरे को इसकी पैकेजिंग सही नहीं लगी क्योंकि पैकेजिंग इसकी कुछ ऐसी आई है, टेढ़ी मेढ़ी सी और छोटा है काफी। पैकेजिंग का क्या करना है, क्या करना है पैकेजिंग का? नहीं, नेल्स भी अंदर है। कुछ डिफेक्टिव नहीं है, सब कुछ सही है, नेल्स काफी सही है, ग्लू आपको सही है, सब कुछ ठीक है। वो ट्रैवलिंग में हो जाता है थोड़ा, कोई बात नहीं। एंड मैंने यहाँ पे ना ड्राई वाले नेल पेंट लगाई है, सो ये कुछ ऐसा है। एक सेकेंड जस्ट मैं आपको 1 सेकेंड क्लियरली दिखाऊंगी। ये देख सकते हो जितना आपको दिख रहा है बहुत सही है। ये वाला ना थोड़ा बड़ा लगा मेरे को, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था थंब वाला। ओके गाइस, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं तो देखना इंस्टाग्राम पे जाके इसको फॉलो करिए और मेरी मॉम को भी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना एंड मॉच पे भी, ठीक है? आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो चलो अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड हम अटेंड करने वाले हैं रोबी मिल बाग बर्थडे पार्टी। चलो अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।